नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं बुधवार 17 जुलाई 2024 के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 जजों की पद भरे राष्ट्रपति ने दी 2 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी। जम्मू कश्मीर डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, 4 जवान शहीद, कश्मीर टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान भुगत रहे हैं, सैनिकों की शहादत पर बोले राहुल गांधी। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, 21 हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाकर होगा सामूहिक निकाह। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले केशव प्रसाद मौर्य, थोड़ी देर में भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे मुलाकात। पूजा खेड़कर ने पुणे के डीएम के खिलाफ दर्ज करवाया उत्पीड़न का मुकदमा, दिया था तबादले का आदेश। अब पीएके पर चीन की नजर, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना गुप्त सैन्य अड्डा। आप गवर्नर पर अपमानजनक बयान नहीं दे सकती, ममता को एचसी की दो टूक। दिल्ली में नहीं रहा इंडिया गठबंधन, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। मुंबई में चोर ने चोरी का सामान लौटाया, पता चला प्रसिद्ध कवि का था घर तो पछतावा हुआ, नोट छोड़कर मांगी माफी। डोडा हमले के बाद बड़े एक्शन की तैयारी, खुद सेना प्रमुख ने संभाला मोर्चा, रक्षा मंत्री ले रहे हैं पल पल का अपडेट। ओमान में पलटा तेल का टैंकर, चालक दल में शामिल 13 भारतीय लापता, अब तक नहीं लगा कोई सुराग। अमेरिका में 21 साल से कम उम्र के लोगों को बंदूक रखने पर रोक नहीं, अपीलीय अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। केंद्र ने नीति आयोग की नई टीम बनाई, पीएम अध्यक्ष बने रहेंगे राज शाह, राजनाथ सहित 15 केंद्रीय मंत्री सदस्य, सहयोगी दलों के नेताओं को भी जगह। इंदौर में दिन दहाड़े बैंक के लूट, मास्क और रेनकोट पहनने बदमाशों ने किया हवाई फायर, कैशियर से बैग से रुपए भरकर लेकर हुए फरार। अलीगढ़ के थाने में बेटे ने मां को जिंदा जलाया, पुलिस के सामने पेट्रोल डालकर आग लगाई, मां जलती रही, बेटा वीडियो बनाता रहा। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।